दोस्तों नमस्कार, आपका ए टू जे न्यूज चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी आरक्षण को लेकर खबर आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और सबसे पहले हमारे जो नीचे जो लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब का बटन, वो भी आप दबा लीजिए, जिससे हमारी जो भी नई नई आरक्षण को लेके वीडियोस होंगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे और सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप ये जो नीचे लाल कलर का रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसको दबा लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, तो आपको सबसे पहले न्यू न्यू वीडियो देखने को मिले। तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले आरक्षण पे बात करते हैं। दोस्तों मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी में सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। जहां पे ऊंची जात सवर्णों को आरक्षण अभी तक नहीं मिला हुआ था, वहीं मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट ने सवर्णों को 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। दोस्तों दोस्तों एक तरीके से सवर्णों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और जो आगे खबर निकल के आ रही है, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि वह सवर्णों को 10% आरक्षण देगी। सोमवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में मिलेगा। बताया जा रहा है कि आरक्षण का फार्मूला 50% प्लस इंटू 10% का होगा। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है। इसके तहत आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को दिया जाएगा आरक्षण। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे कहते हैं 56 इंच का सीना। सरकार के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, पीएम मोदी की नीति की सबका साथ सबका विकास। सरकार ने सवर्णों को उनका हक है, पीएम मोदी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। मालूम होगी करीब 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। इस हार के पीछे सवर्णों की नाराजगी भी को भी अहम वजह बताया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिला लिया है। इससे माना जा रहा है कि बीजेपी इस गठबंधन को निपटने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है। सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल सियासी मुताबिक सपा बसपा ने यूपी में अपने चुनावी गठबंधन में कांग्रेस को रणनीति के तहत शामिल नहीं करने का फैसला किया है। उसके पीछे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि बीजेपी के सवर्ण तबके में बंटवारे के लिहाज से कांग्रेस और सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ताकि सवर्णों का वोट बीजेपी और कांग्रेस में विभाजित हो जाए। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिला लिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी इस गठबंधन से निपटने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है। सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल सियासी विश्लेषकों के मुताबिक सपा बसपा ने यूपी में अपने चुनावी गठबंधन में कांग्रेस की रणनीति के तहत शामिल नहीं करने का फैसला किया है। उसके पीछे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि बीजेपी के सवर्ण तबके में बंटवारे के लिहाज से कांग्रेस और सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ताकि सवर्णों का वोट बीजेपी और कांग्रेस में विभाजित हो जाए। लेकिन लंबे समय से गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग चलते इस घोषणा से बीजेपी को सियासी लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और फिर आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।